देखते रहिए UVN08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। संवाददाता दयाराम चंद्रवंशी की रिपोर्ट। नागदा से हनुमान भक्त मंडल द्वारा पिछले 10 से 12 वर्षों से नागदा से लगभग 75 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा पर ऐसे चमत्कारी होरी हनुमान मंदिर पैदल यात्रा लेकर जाते हैं। हाथों में ध्वजा, हनुमान जी की गदा लेकर जय श्री राम के मंत्रों के साथ पैदल ही निकलते हैं। चर्चा में बताया कि क्षेत्र की खुशहाली, भाईचारा, स्वास्थ्य और आपदाओं से सुरक्षा की प्रार्थना लेकर जाते हैं। नागदा के साथ ग्रामीण क्षेत्र के भक्तगण भी शामिल हैं। कोविड के चलते सीमित मात्रा में भक्तजन, खाने पीने की व्यवस्था मंडल साथ में लेकर चलता है। हनुमान जी का घोटा लेके निकल रहे हैं, हाथ में झंडा है, क्या उनका कहाँ की यात्रा क्या है? हनुमान जी पद यात्रा है, नागदा से निकलती है हर वर्ष और ये 10वां वर्ष हमारी यात्रा जारी है। और बाबा से यही विनती है कि इस महामारी से सभी को विश्व को छुटकारा मिले और सबको सुख संपत्ति के लिए हम। कितने लोग की आपकी यात्रा वहाँ जा रही है? ये यात्रा अभी हम पिछले वर्ष तो होती है, अभी कोविड के गाइडलाइन के अनुसार हमें अनुमति कम की, इसलिए हम 50-60 जने ही जा रहे हैं। सारे यात्री पैदल ही जा रहे हैं? सारे पैदल ही जा रहे हैं। रास्ते की भोजन व्यवस्था वगैरह क्या है? भोजन व्यवस्था हमारे समिति की ओर से साफ कर ली है, हमारे समिति के सब। तो अभी नाश्ता में तो स्वागत होते हुए अभी खंडाखड़ी में खाना रखा है भोजन की, और वहाँ से फिर रात्रि विश्राम भूतड़ा में रखा है, और फिर वहाँ से चलेंगे हम सीधे होरी हनुमान जी के लिए। चालू खड़ा हूँ रास्ता रहेगा, शाम को होरी हनुमान जी पहुँचेंगे। शनिवार को महाआरती और प्रसाद ये सभी सभी लोकल नागदा के या आसपास लोकल नागदा के भी है, कुछ रोलपुर के आसपास के भी, ग्रामीण क्षेत्रों के भी।